आज के वीडियो में हम आपका साइंस चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट्स, इसके कीवर्ड्स और एक्सरसाइज इनको कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट कीवर्ड क्या है हमारा? बैकबोन। इन ह्यूमन स्केलेटन बैकबोन इज स्टार्टिंग फ्रॉम नेक एंड एंड्स टू पेल्विक बोन। इट इज मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रे। बैकबोन क्या है ह्यूमन स्केलेटन में? नेक से स्टार्ट होके पेल्विक बोन, इस साइड पे नेक होती है और एंड कहाँ होती है आपके? पेल्विक बोन पे। और ये छोटे छोटे कई सारी बोन्स जिनको हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रे। 33 वर्टिब्रे होते हैं, उनसे मिलकर के ये बोन बनती है और इसको हम क्या बोलते हैं? बैक बोन बोलते हैं। नेक्स्ट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। इन दिस ज्वाइंट अ राउंड शेप बॉल लाइक बोन फिट्स इन टू कैविटी सॉकेट टाइप बोन। दिस ज्वाइंट अलाउ मूवमेंट्स इन ऑल डायरेक्शन। शोल्डर एंड हिप इज एग्जाम्पल ऑफ बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। कैसा ज्वाइंट है ये? एक साइड की बोन में आपका बॉल है, जैसे ये हमारी एक बोन है, इसका एंड कैसा है? ये बॉल के शेप का है। और दूसरी बोन का शेप कैसा है? यहाँ पर एक कैविटी है, कैविटी मीन्स एक गड्ढा है, और ये सॉकेट का काम करता है। जब ये बॉल इस सॉकेट में फिट होती है तो ऐसे जॉइंट को हम क्या बोलते हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। ये हमारी बॉडी में शोल्डर में और हिप में मिलता है। नेक्स्ट, ब्रिसल्स। अर्थवर्म्स आर हैविंग हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स अंडर इट्स बॉडी कनेक्टेड विद मसल्स। दीज आर कॉल्ड ब्रिसल्स। इट हेल्प्स टू फिक्स द बॉडी टू द ग्राउंड। ब्रिसल्स क्या हैं? जैसे छोटे छोटे से हेयर लाइक, मतलब बाल की तरह के छोटे छोटे से स्ट्रक्चर होते हैं जो अर्थवर्म की बॉडी में नीचे की तरफ होते हैं और ये उसकी मसल से जुड़े रहते हैं। ये ब्रिसल्स क्या हेल्प करते हैं इसको? जब ये ग्राउंड पे मूव करता है या स्टेबल होता है तो ये ग्राउंड को पकड़ के रखते हैं, फिक्स करके रखते हैं। नेक्स्ट, कार्टिलेज। व्हाट इज कार्टिलेज? कार्टिलेज आर एडिशनल पार्ट ऑफ द स्केलेटन दैट आर नॉट एज हार्ड एज द बोन्स एंड विच कैन बी बेंड। कार्टिलेज जो है वो भी हमारे स्केलेटन का ही एक पार्ट है। ये बोन की तरह उतना हार्ड भी नहीं है और मसल्स की तरह सॉफ्ट भी नहीं है और इसको आसानी से बेंड किया जा सकता है। जैसे यहाँ एक फिगर में दिखाया हुआ है, हमारे ईयर का जो अपर पार्ट है इसको अगर आप टच करके फील करेंगे तो ये हार्ड फील होगा आपको, बट इतना भी हार्ड फील नहीं होगा जितना कि बोन होती है। और नीचे का पार्ट क्या है? नीचे का पार्ट एकदम सॉफ्ट फील होगा। तो ये ऊपर का पार्ट हमारा क्या कहलाता है? ये कहलाता है कार्टिलेज। नेक्स्ट, कैविटी। कैविटी इज अ होल और एम्प्टी स्पेस विद इन एनी सॉलिड। जो हमने अभी बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट में भी देखा था कि एक बोन में कैविटी है, मतलब वहां पर एक एम्प्टी स्पेस है, गड्ढा है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैविटी बोलते हैं। नेक्स्ट, फिक्स्ड ज्वाइंट। फिक्स्ड ज्वाइंट कौन से होते हैं? इन फिक्स्ड ज्वाइंट बोन्स आर ज्वाइंट टुगेदर एंड नो एनी मूवमेंट्स इज अलाउड एट द ज्वाइंट। स्कल इज हैविंग फिक्स्ड ज्वाइंट्स। हमारे बॉडी में बहुत सारे ज्वाइंट्स ऐसे हैं जो फिक्स्ड ज्वाइंट हैं, बोन्स आपस में ज्वाइंट होती हैं ऐसी जगहों पे और वहां पर कोई मूवमेंट भी नहीं होता है। स्कल में हमारे मोस्टली ज्यादातर सारे फिक्स ज्वाइंट भी ही है। नेक्स्ट, गेट ऑफ एनिमल्स। पैटर्न ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड गेट। मूवमेंट का जो एक पैटर्न होता है उसको हम क्या बोलते हैं? गेट बोलते हैं। सो गेट ऑफ एनिमल्स क्या हो गया? एनिमल्स में पैटर्न का जो भी मूवमेंट है उसका स्टडी करना। पैटर्न ऑफ मूवमेंट इन एनिमल्स इज कॉल्ड गेट ऑफ एनिमल्स। नेक्स्ट, हिंज ज्वाइंट। व्हाट इज हिंज ज्वाइंट? हिंज ज्वाइंट्स अलाउ ओनली अ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। एल्बो एंड नी आर हैविंग हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट में किस टाइप का ज्वाइंट होता है? देखिए, जहां पर एक नी का हिंज ज्वाइंट का एग्जांपल दिया हुआ है, दिस ज्वाइंट इज हिंज ज्वाइंट। अब ये हमारा मूवमेंट केवल इस डायरेक्शन में कहां तक हो सकता है? इसके पैरेलल, इस लेवल तक, और वापस यहां पर इस लेवल तक हो सकता है। ये इसके आगे इधर नहीं जा सकता। सो दिस इज कॉल्ड हिंज ज्वाइंट। नेक्स्ट, मसल। व्हाट इज मसल?
Muscle are soft tissues that helps in movement by contraction and relaxing. Muscles work in pairs. Muscles क्या हैं? हमारे bones के ऊपर जो soft tissues होते हैं वो muscles होती हैं और ये हमारे body को movement करने में help करते हैं. कैसे? Contract और relax होके. Contract होते हैं और relax होते हैं तो हमारी body के joints में movement होता है. मसल्स हमेशा पेयर में काम करती है. मींस अपर आर्म की मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तब लोअर आर्म की मसल रिलैक्स होगी और जब लोअर आर्म की मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तब अपर आर्म की मसल रिलैक्स होगी. इस तरीके से पेयर में वर्क करते हैं. नेक्स्ट आउटर स्केलेटन. व्हाट इज आउटर स्केलेटन? आउटर स्केलेटन इज द हार्ड पार्ट found on the outer part of the body on some animals. It does not made up of bones. Outer skeleton क्या है? कुछ animals के body में ऊपर की तरफ भी कुछ hard part मिलते हैं, उनको हम outer skeleton बोल देते हैं. Normally ये bones के बने हुए नहीं होते हैं. जैसे यहाँ पर एक snail का figure दिया हुआ है. Snail का ये part जो है इसको हम क्या बोलते हैं? ये shell होता है और एंड दिस शेल इज आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल. नेक्स्ट पेल्विक बोन. व्हाट इज पेल्विक बोन्स? द हिप बोन्स आर नोन एज पेल्विक बोन्स. दे इंक्लोज द पोर्शन ऑफ आवर बॉडी बिलो द स्टमक. जो हमारे हिप के पास पूरा बोन का स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलते हैं? पेल्विक बोन बोलते हैं. ये टोटल स्ट्रक्चर क्या है? दिस इज पेल्विक बोन. ये हमारी स्टमक के नीचे के पार्ट को पूरा जो है इनक्लोज करता है. यहीं पर से हमारी थाइस की जो है बोन्स निकलती हैं और ये पूरा पेल्विक बोन का स्ट्रक्चर कहलाता है. पिवटल ज्वाइंट. व्हाट इज पिवटल ज्वाइंट? द ज्वाइंट वेयर अवर नेक ज्वाइंस द हेड इज अ पिवटल ज्वाइंट. इन अ पिवटल ज्वाइंट अ सिलेंड्रिकल बोन रोटेट्स इन अ रिंग. पिवटल ज्वाइंट कहाँ मिलता है? हमारी नेक जो है ये बैक बोन से जहां पर अटैच होती है उस ज्वाइंट को हम क्या बोलते हैं? पिवकल ज्वाइंट बोलते हैं. नेक्स्ट रिब केज. व्हाट इज रिब केज? रिब केज इज मेड अप ऑफ रिब्स रिब बोन्स दैट ज्वाइंट्स चेस्ट टू बैक बोन. देयर आर 12 रिब्स ऑन ईच साइड ऑफ चेस्ट. इट प्रोटेक्ट्स अवर हार्ट लंग्स एंड अदर इंटरनल ऑर्गन्स. रिब केज क्या है? बहुत सारी रिब्स, ये जो सिंगल बोन्स दिख रही हैं, दीज बोन्स आर कॉल्ड रिब्स. और ये रिब्स से मिल करके जो ये पूरा स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? रिब केज कहते हैं. ये फ्रंट में चेस्ट और बैक में बैक बोन को कनेक्ट करती है और इस रिब केज के अंदर हमारे बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन जैसे हार्ट, लंग और लीवर, ये सब इसके अंदर सेफली रहते हैं. शोल्डर बोन्स. शोल्डर बोन्स क्या है? शोल्डर बोन्स आर अटैच टू द अपर पार्ट ऑफ रिब केज. इट ऑल्सो ज्वाइंट्स टू द अपर आर्म थ्रू बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट. शोल्डर बोन कौन सी है? ये बोन जो हमको दिख रही है, ये बोन क्या है? ये बोन है शोल्डर बोन. ये शोल्डर बोन कहाँ है? ये रिब केज के अपर पार्ट पे अटैच है. ये सारा पोर्शन क्या है? ये रिब केज है, उसके अपर पार्ट पे अटैच होती है और इसके साथ ही हमारा ये आर्म का जो अपर पॉइंट है वो भी यहाँ पर ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के थ्रू अटैच होता है. नेक्स्ट स्केलेटन. स्केलेटन इज फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी दैट प्रोवाइड्स शेप सपोर्ट टू अवर बॉडी एंड प्रोटेक्शन टू द आवर इंटरनल ऑर्गन्स. जो ये पूरा बोन्स का स्ट्रक्चर है ये एक फ्रेमवर्क तैयार करता है. इसी फ्रेमवर्क से हमारी बॉडी को शेप मिलता है, स्ट्रेंथ मिलती है और ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को भी सेफली होल्ड करता है, उनको नुकसान होने से पहुंचाता है. दिस टोटल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्केलेटन. नेक्स्ट स्ट्रीमलाइन. What is streamline? Smooth movement is called streamline. Streamline क्या है? एकदम smooth movement जिसमें कोई jerk ना आता हो ज्यादा या कोई बहुत ज्यादा resistance ना हो,
ये सब हर्डल्स ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन। इस चैप्टर में स्ट्रीमलाइन का क्या मतलब है, अ फिश कैन स्विम इन वाटर वेरी इजली बिकॉज ऑफ इट्स बॉडी शेप। फिश का मूवमेंट क्या है, फिश जो वाटर में बहुत ही इजली स्विम कर जाती है, क्योंकि उसका बॉडी शेप ऐसा है। मीन्स उसकी बॉडी शेप को हम स्ट्रीमलाइन बोल सकते हैं, दैट्स वाई बॉडी शेप ऑफ फिश इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फिल इन दी ब्लैंक्स, देखते हैं क्या है। फर्स्ट पार्ट क्या है, ज्वाइंट्स ऑफ द बोन्स हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट बी पार्ट, अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज फॉर्म्स द स्केलेटन ऑफ द बॉडी। जो बोन्स और कार्टिलेज मिलकर के हमारी बॉडी का स्केलेटन तैयार करते हैं। सी पार्ट क्या है, द बोन्स एट द एल्बो आर ज्वाइंट बाई अ हिंज ज्वाइंट। एल्बो पे हमारे कौन सा ज्वाइंट है, हिंज ज्वाइंट है। डी पार्ट क्या है, द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द मसल्स पुल्स द बोन्स ड्यूरिंग मूवमेंट। हमारे मसल्स में जो कॉन्ट्रेक्शन होता है उससे पुल फोर्स लगता है, जिससे हमारी बॉडी में मूवमेंट आता है। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, इसमें हमें कुछ ट्रू फॉल्स आइडेंटिफाई करने हैं। ए पार्ट क्या है, द मूवमेंट एंड लोकोमोशन ऑफ ऑल एनिमल्स इज एग्जैक्टली द सेम। क्या सारे एनिमल्स का मूवमेंट एक जैसा है, नहीं, सबका मूवमेंट अलग अलग है, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट, द कार्टिलेजेस आर हार्डर देन द बोन्स। कार्टिलेजेस जो हैं वो हमारे बोन से ज्यादा हार्ड हैं, नहीं, कार्टिलेज जो है बोन्स जितनी हार्ड भी नहीं है, मसल्स जितनी सॉफ्ट भी नहीं है, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। द फिंगर्स फिंगर्स बोन्स डू नॉट हैव ज्वाइंट। फिंगर बोन में ज्वाइंट नहीं है, फिंगर बोन को हम मूव करा सकते हैं, सो इसमें ज्वाइंट है, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। नेक्स्ट, द फोर आर्म हैज टू बोन्स। फोर आर्म में दो बोन्स होती। फोर आर्म क्या है, एल्बो का जो ज्वाइंट है उसके आगे का पोर्शन, मीन्स एल्बो के ज्वाइंट से लेके रिस्ट तक के बीच का पोर्शन हमारा फोर आर्म कहलाता है, और इस फोर आर्म में दो पैरेलल बोन्स होती हैं, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट, कॉकरोचेस हैव एन आउटर स्केलेटन। जब हमने कॉकरोचेस के बारे में, उसके मूवमेंट के बारे में पढ़ा था, तब हमने ये देखा था कि कॉकरोचेस में आउटर स्केलेटन होता है, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट, मैच द आइटम्स इन कॉलम वन विद वन और मोर आइटम्स ऑफ कॉलम टू। कॉलम वन में कुछ आइटम दिए हुए हैं और कॉलम टू में कुछ आइटम दिए हुए हैं, इनको हमें मैच कराना है। कई हो सकता है इसमें से कुछ पॉइंट एक से ज्यादा से भी मैच हो रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, अपर जॉ। अपर जॉ किससे मूव हो रहा है, अपर जॉ इज एन इमूवेबल ज्वाइंट। अपर जॉ जो है हमारे स्कल का पार्ट है और ये मूव नहीं करता है। क्या मूव करता है, केवल हमारा लोअर जॉ मूव करता है। नेक्स्ट, फिश। फिश देखिए यहां पर दो स्टेटमेंट से मैच हो रहा है, हैव फिन्स ऑन द बॉडी एंड हैव अ स्ट्रीम लाइंड बॉडी। फिश का जो बॉडी शेप है उसको स्ट्रीम लाइंड बोलते हैं और उसकी बॉडी पे फिन्स भी होती हैं। नेक्स्ट, रिब्स। रिब्स हमारा किससे मैच हो रहा है, प्रोटेक्ट द हार्ट, हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट, स्नेल। स्नेल अगेन दो स्टेटमेंट से मैच हो रहा हैज एन आउटर स्केलेटन। हमने देखा था स्नेल के ऊपर जो शेल होता है वो उसका आउटर स्केलेटन कहलाता है, और दूसरा, शोज वेरी स्लो मूवमेंट। स्नेल का मूवमेंट काफी स्लो होता है। नेक्स्ट, कॉकरोच। कॉकरोच भी दो पार्ट से मैच हो रहा है, दो स्टेटमेंट से। कॉकरोच में भी आउटर स्केलेटन होता है एंड कॉकरोच कैन फ्लाई इन द एयर ऑल्सो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आंसर द फॉलोइंग, ए बी सी, तीन क्वेश्चन है, एक एक करके देखते हैं। फोर का ए, व्हाट इज अ बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। हमने ऑलरेडी कीवर्ड्स में भी इसको देखा था, अगेन उसी को रिपीट करते हैं। यहाँ पे इन दिस ज्वाइंट अ राउंड शेप बॉल लाइक बोन फिट्स इनटू अ कैविटी सॉकेट टाइप बोन। एक बॉल शेप की बोन
जब एक सॉकेट टाइप की बोन में यानी कैविटी वाली बोन में फिट होती है तो ऐसे ज्वाइंट को हम क्या कहते हैं, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहते हैं। दिस ज्वाइंट अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, शोल्डर एंड हिप इज एग्जाम्पल ऑफ बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बी पार्ट क्या है, विच ऑफ द स्कल बोन्स आर मूवेबल। स्कल में जितनी भी बोन्स हैं सारी फिक्स्ड ज्वाइंट हैं, कोई मूवेबल नहीं है, ओनली एंड ओनली लोअर जॉ। इन द स्कल ओनली द लोअर जॉ बोन इज मूवेबल, केवल लोअर जॉ ही हमारा मूवेबल है। सी पार्ट देखते हैं क्या है, वाई कैन अवर एल्बो नॉट मूव बैकवर्ड। एल्बो हमारी बैकवर्ड मूव क्यों नहीं कर सकती। बैकवर्ड का मतलब क्या है, सपोज हम यहां पर अगर एक फिगर से समझने की कोशिश करें कि इधर हमारा जो है शोल्डर का पोर्शन है, ये हमारा एल्बो का ज्वाइंट है और इधर हमारा ये हैंड है। ओके, अब ये हमारा केवल इस डायरेक्शन में मूव हो सकता है और इस डायरेक्शन में कहाँ है, यहां तक ही मूव हो सकता है। ये ज्वाइंट ऐसा है कि इसके नीचे ये मूव नहीं हो सकता, मींस बैकवर्ड डायरेक्शन नहीं है। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन हो गया तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन हो गया। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि दिस ज्वाइंट इज अ हिन ज्वाइंट एंड हिन ज्वाइंट डजंट अलाउ टू मूव बैकवर्ड। आवर एल्बो हैज द हिंज ज्वाइंट दैट डज नॉट अलाउज द मूवमेंट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ओके, चलिए तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारे इस चैप्टर की एक्सरसाइज कीवर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और पढ़ाई करेंगे। टिल देन बाय।